सत्ता गठबंधन की बैठक तय हो गई है, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हो पाया है कि अखिलेश यादव उस मीटिंग का हिस्सा होंगे या फिर नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग पर फंसे पेच के बीच ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है और इसी बैठक में तय होना है कि किस राज्य में कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में पीडीए सरकार का नारा दे रहे हैं, कांग्रेस के बिना अपनी रणनीति को हवा दे रहे हैं और उस मीटिंग से पहले खुद को मजबूत स्थिति में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो 19 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। यानी इंडी गठबंधन एक बार फिर अपने सहयोगी दलों के साथ मंथन की कोशिश में है, लेकिन सबकी निगाहें अखिलेश यादव पर जा टिकी हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी अब कांग्रेस को किसी भी तरह से बख्शने के मूड में नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिस तरह से इस हार को कांग्रेस के अहंकार से जोड़ा था, उससे बात साफ हो गई है कि 19 तारीख को जब बैठक होगी तब समाजवादी पार्टी फ्रंट फुट पर आकर के खेलेगी और ये कहना चाहेगी कि सीटों के बंटवारे की जिम्मेदारी कम से कम उत्तर प्रदेश में उसको दी जाए। तीन राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस के लिए यूपी में संकट की दीवार खड़ी हो गई है और ये दीवार किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी ने खड़ी की है। अखिलेश यादव के इशारे पर सपा नेता कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने की बात कह रहे हैं और खुद 65 से ज्यादा सीटों पर ताल ठोकने की तैयारी में है। इंडिया गठबंधन की आने वाले समय में बैठक है, निश्चित रूप से सीटों के बंटवारे पे बातचीत होगी और जल्द ही इंडिया गठबंधन सीटों के बंटवारे पे जो फाइनल रोड मैप है वो पूरे देश में तैयार कर लेगा। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस बड़ा दल है, उसको बड़े दिल के साथ इस गठबंधन को चलाना है, बड़ी जिम्मेदारी के साथ जल्दी सीट बंटवारा हो। यानी साफ है कि कांग्रेस के साथ यूपी में गठबंधन सिर्फ इसी शर्त पर होगी जब कांग्रेस 2 सीटों पर ही चुनाव लड़ने के लिए हामी भरे, क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही बोल चुके हैं कि यूपी में इंडी गठबंधन से सपा सीटें नहीं मांगेगी बल्कि गठबंधन दलों को सपा सीट बांटेगी। ऐसे में 19 दिसंबर को होने वाली पार्टी में क्या अखिलेश यादव शामिल होंगे या फिर केवल सीट शेयरिंग का प्रस्ताव भेजेंगे, ये बड़ा सवाल है क्योंकि सभी 80 सीटों पर सपा की तैयारी चल रही है। 65 सीट से कम पर सपा चुनाव नहीं लड़ेगी, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें देने की कोशिश है तो वहीं आरएलडी यूपी में 10 सीटों की डिमांड कर चुकी है। यानी एक बार फिर यूपी में सीट शेयरिंग वाला विवाद इंडी गठबंधन की बैठक में हावी हो सकता है और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का हाल नहीं बल्कि तमाम ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों से मोल भाव करना होगा। निश्चित रूप से जो इंडिया मोर्चा की 19 दिसंबर को जो होने वाली दिल्ली में बैठक है उसमें बहुत सी चीजें निकल करके सामने आएंगी और साथ ही साथ ये भी सही है कि अगर मध्य प्रदेश में और राजस्थान में समाजवादी पार्टी का सहयोग और साथ लेकर के अगर वहां पे कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती या इंडिया मोर्चा साथ में मिलकर के चुनाव लड़ता तो निश्चित रूप से आज परिणाम कुछ और होते। तो क्या अखिलेश यादव, नीतीश कुमार और ममता बनर्जी तीनों इस बार कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश में है या फिर सीट शेयरिंग के मसले पर 19 दिसंबर को महासंग्राम होने वाला है, क्योंकि तीन राज्यों में हार के बाद कांग्रेस फिलहाल बैकफुट पर है और अखिलेश यादव फ्रंट फुट पर। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।